क्या हुआ जब मुस्लिम व्यक्ति ने दिवाली वाले दिन बजरंगबली के मंदिर में लगाई आग और फिर बजरंगबली के चमत्कार से उड़ गए सभी के होश। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। दिवाली के पावन पर्व पर कर्नाटक के हेगोद गांव में बजरंगबली का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। गांव में रहने वाले सभी लोग इस चमत्कार के साक्षी बने। यूं तो बजरंगबली के किस्से कहानियां और चमत्कार तो सभी हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ बजरंगबली की पूजा अर्चना करता है तो वहां स्वयं बजरंगबली उस व्यक्ति का साथ देने के लिए उसके साथ ही रहते हैं। आज जिस सत्य घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो है कर्नाटक के एक छोटे से गांव हेगोदू गांव की, जहां बजरंगबली का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थित है। गांव के सभी लोगों में मंदिर के प्रति गहन आस्था है। गांव वाले बताते हैं कि मंदिर में समय समय पर अविश्वसनीय चमत्कार देखने को मिलते हैं। साथ ही बजरंगबली के इस पावन मंदिर में जब भी कोई मन्नत मांगी जाए तो बजरंगबली उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। गांव वालों ने यहां तक बताया कि रामायण काल के समय बजरंगबली ने स्वयं कुछ समय इस गांव में बिताए थे और प्रातः काल से ही मंदिर में भक्तों का मेला सा लग जाता है। परंतु ऐसे पावन स्थान पर दिवाली के शुभ अवसर पर ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। कुछ समय पहले गांव में आबिद नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति रहने आया। आबिद मांस का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और अपने इसी व्यापार का विस्तार करने हेतु वो उस गांव में आया था। आबिद ने गांव में आते ही गांव के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपनी एक दुकान खरीद ली और उसी दुकान में मांस का व्यापार करने लगा। परंतु आबिद ने जिस प्रकार की उम्मीद की थी उसका मांस का व्यापार उस प्रकार का नहीं चल रहा था। कई माह गुजर गए परंतु आबिद अपनी लागत जितना भी धन अर्जित करने में नाकामयाब हुआ। गांव के सभी लोग बजरंगबली के अनन्य भक्त थे और मांस और मदिरा जैसी वस्तु का सेवन करना सभी को पाप समान लगता था। आबिद को रोज बहुत नुकसान हो रहा था और वो बजरंगबली के मंदिर को इस नुकसान का कारण मान रहा था। एक दिन आबिद ने सोचा कि यदि ये मंदिर यहां से हट जाए तो मेरा व्यापार अवश्य ही चल जाएगा। वो मंदिर को हटाने की योजना बनाने लग गया और फिर एक दिन आबिद ने मंदिर को आग में जलाकर नष्ट करने की योजना बनाई। कुछ ही दिन में दिवाली का पावन पर्व आ गया। पूरे गांव में अलग ही उत्साह देखने को मिला और दिवाली वाले दिन जब सारा गांव अपने अपने घरों में पूजा पाठ और अन्य गतिविधियों में व्यस्त था तभी मंदिर को अकेला पाकर आबिद मंदिर के पीछे वाले इलाके में जा पहुंचा। आबिद ने जल्द ही मंदिर के पीछे मौजूद खिड़की में मिट्टी का तेल डालकर एक बड़ी सी लकड़ी में कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी और उस लकड़ी की मदद से मंदिर में आग लगाने का प्रयास करने लगा। परंतु उस कपड़े पर आग लग ही नहीं रही थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आसमान में बहुत तेज बिजली कड़क उठी। एक बार को तो आबिद भी कड़कती हुई बिजली की आवाज से डर गया, परंतु अभी तक उसने अपना इरादा बदला नहीं था। उसने बड़ी मशक्कत के बाद मंदिर में आग लगा दी और बड़े प्रसन्न मन से मंदिर को जलते हुए देखने लगा। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर धू धू करके जलने लगा। फिर अचानक से घनघोर वर्षा होने लगी और मंदिर में लगी आग कुछ ही मिनटों में बुझ गई। इतनी भयानक आग मंदिर और मंदिर की किसी भी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचा पाई और फिर आसमान से एक बिजली मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा पर गिरी, जिसके कारण ध्वजा नीचे खड़े हुए आबिद के ऊपर आ गिरी और आबिद वहीं घायल होकर गिर पड़ा। बिजली की तेज ध्वनि से सभी लोग मंदिर के पास आ गए और वहां जब वह सभी आए तो उन्होंने आबिद को घायल अवस्था में देखा। मंदिर में भी आग के कारण कुछ काले निशान पड़े हुए थे। ये सब देख गांव वालों ने आबिद से सवाल किए। आबिद को ना चाहते हुए भी सच बताना पड़ा। गांव वाले सब कुछ सुनकर हैरान थे। सभी को ज्ञात हुआ कि बजरंगबली ने अपना चमत्कार दिखाया है और स्वयं अपने मंदिर की रक्षा की है और आबिद को उसके कर्मों की सजा दी है। सभी गांव वालों ने बजरंगबली का जयकारा लगाया और आबिद को गांव से बेदखल कर दिया। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।